मैं विनीत त्यागी, प्रवक्ता गणित, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे थे रेखा, उसमें मैंने आपको बताया था दो रेखाओं के मध्य बने कोण। उसके बाद का टॉपिक है रेखाओं के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास रेखाओं के प्रकार आते हैं। नंबर एक, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। देखिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के समांतर कहाँ होगी? या तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर होगी या मूल बिंदु के नीचे होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे हो सकती है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस हो सकती है, या मान लीजिए बी दूरी चले हैं, नीचे क्या होगी? माइनस होगी। तो हमारे पास किसकी दूरी है ये चली हुई? ये हमारे पास वाई एक्सिस पर चली गई दूरी है। तो हमारे पास रेखा का समीकरण वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो सकता है? बी हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, वाई एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ये है आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पर क्या होगा? या तो एक्स वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में आएगी ये इसके एक्स एक्सिस पर, और या माइनस साइड पर आएगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? माइनस ए, और इधर क्या होगी आपकी मूल बिंदु से? प्लस की ए आ जाएगी। तो इसका समीकरण क्या होगा? x बराबर प्लस माइनस ए। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि x अक्ष तथा y अक्ष का समीकरण ज्ञात कीजिए, दोनों का समीकरण बताना है। तो x एक्सिस का समीकरण क्या बताएंगे हम? जब हम x एक्सिस पर चलते हैं तो हमने क्या किया वहाँ पर? तो हम x एक्सिस पर क्या होगा? सिर्फ x के निर्देशांक होंगे, भुज के निर्देशांक होंगे हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर? x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होगा हमारे पास में? y बराबर जीरो। ऐसे ही हमारे पास में y अक्ष का समीकरण क्या होगा जी? ये किसका है? x अक्ष का समीकरण। अब हमारे पास y अक्ष का समीकरण क्या होगा जी? हमारे पास x बराबर जीरो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। सेकंड नंबर है आपके पास, जब हमारे पास में एक बिंदु तथा प्रवणता ज्ञात हो तब रेखा का समीकरण, तब रेखा का समीकरण क्या होगा हमारे पास? y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तब हमारे पास रेखा का समीकरण क्या होगा? ये कैसे भाई? मान लीजिए हमारे पास में ये कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है एक्स वन वाई वन, ये पॉइंट ए था, और इसी पर इसको जब हम x एक्सिस से मिलाते हैं थीटा कोण पर, इस पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x और y, तो हमने वही फार्मूला लगाया, इसकी दोनों बिंदुओं की प्रवणता और इस पर बने हुए कोण की प्रवणता tan थीटा से निकाला हमने, और किससे? दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता ज्ञात की। अब हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां ढाल तो दी गई है एक बटा दो तथा बिंदु क्या दिया गया है हमें? बिंदु दिया गया है माइनस चार और तीन, माइनस चार और तीन। देखिए हमारे पास उस रेखा का समीकरण, तो m बराबर कितना दिया गया है? एक बटा दो, और x1
बराबर कितना है, माइनस चार, और एक्स टू वाई टू बराबर कितना है हमारे पास, वाई वन, वो हुआ तीन हमारे पास। तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या है जी, रेखा का समीकरण है हमारे पास y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर क्या हुआ, y माइनस तीन बराबर इसका मान है एक बटा दो, इसका मान x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। इसकी गुणा यहाँ पर कर दीजिए, दो वाई माइनस छः बराबर एक्स प्लस चार, इसको इधर लेंगे x माइनस दो वाई, ये छः जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस के दस बराबर जीरो। ये हमारे पास में रेखा का समीकरण आ गया, जब हमारे पास रेखा की प्रवणता दी गई है और हमारे पास एक बिंदु दिया गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, जब हमारे पास दो बिंदु दिए गए हों तो रेखा का समीकरण क्या होगा। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो मान लीजिए हमारे पास में दो बिंदु हैं, एक और एक दो, ये x1 y1, ये x2 y2, ये बिंदु A है और ये B। तो ये क्या होगा हमारे पास में, ये जो बिंदु हैं हमारे पास में, ये इनकी प्रवणता होगी x x की धन दिशा से, इसकी धन दिशा से साइड होगी। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन बराबर दो बिंदुओं की वही प्रवणता निकाल लेंगे, कैसे, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। इसके लिए क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास में, दो बिंदु दिए गए हो सकते हैं हमारे पास, चार और चार तीन तथा माइनस एक व दो से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2, और इस वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, y माइनस थ्री इक्वल टू टू माइनस थ्री अपॉन माइनस वन माइनस फोर एक्स माइनस फोर। ये कितना हुआ, y माइनस थ्री, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर माइनस फाइव, एक्स माइनस फोर, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, फाइव फाइव माइनस पाँच की गुणा तीन में करेंगे पंद्रह, एक्स माइनस चार, इसको इधर ले आए एक्स माइनस फाइव वाई, इसको इधर लाए, इसको भी इधर लाए, तो प्लस के कितने बच गए हमारे पास, ग्यारह बराबर जीरो। ये वो रेखा है जो इस और इस बिंदु से जा रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब हमारे पास में क्या है जी, मान लीजिए हमारे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमारे पास में y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, ये क्या है हमारे पास में प्रवणता तथा वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एम क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में प्रवणता कि ये एक्स एक्सिस के साथ में धनात्मक दिशा से कितने कोण पर झुकी हुई है, और सी क्या है हमारे पास में वाई अक्ष से कटा अंतःखंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। अंतःखंड
के रूप में रेखा का समीकरण। ये क्या चीज़ है हमारे पास में, मान लीजिए ये रेखा x एक्सिस को तो a का अंतखंड काटती है x एक्सिस पर, और b पर कितने का काटती है जी, b का। ये बिंदु b है जिसके निर्देशांक 0p है, ये बिंदु a जिसके निर्देशांक कितने हैं, a और 0। तो इस रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। इसके एक क्वेश्चन है हमारे पास में, एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, अक्षों के मध्य कटे अंतःखंड, अंतःखंड का मध्य बिंदु ए बी हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 2। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये अक्षों पर कटे अंतःखंड, ये बिंदु ए जिसके निर्देशांक ए जीरो, इसके निर्देशांक मान लीजिए ए और बी तो यहाँ पर दिए गए हैं, इसके पी और क्यू मान लीजिए, ये बी है इसके निर्देशांक जीरो और क्यू, इसके मध्य में कोई बिंदु है हमारे पास जिसके निर्देशांक है ए बी। ठीक है, तो हमारे पास में अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या है, अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो लेकिन यहाँ पर कितने अंतःखंड हैं, p और q, तो इसकी जगह हमारे पास में क्या करेंगे, p और यहाँ पर क्या लेंगे q, ये नंबर 1 आ गया। तो हमारे पास में क्या है जी, a b का मध्य बिंदु बराबर किसके हैं, p के निर्देशांक के। p के निर्देशांक कितने हैं हमारे पास, a और b का मध्य बिंदु क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, यानी कि p प्लस 0 अपॉन 2 और दूसरा आ जाएगा 0 प्लस q अपॉन 2, और ये निर्देशांक कितने हैं, a b। तो यहाँ पर हमारे पास p अपॉन 2 कितना आ जाएगा, a, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 2a। इसी तरीके से q अपॉन 2 इज इक्वल टू b, तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, q बराबर 2b। अब हम इसकी p और q की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, इस सब की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में p तथा q का मान रखने पर रख दीजिए, x अपॉन p का मान कितना है, 2a, और b का, इसका q का मान कितना है, 2b बराबर 1। तो हमारे पास में 2 कॉमन आ जाएगा, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर कितना हो जाएगा, ये जो कॉमन आया है हमारे पास इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, लंब रूप में रेखा का समीकरण। लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या है जी हमारे पास, मान लीजिए ये कोई रेखा है हमारे पास, ये अक्ष को ए और बी बिंदु पर काटती है जिसके निर्देशांक ए जीरो जीरो बी हैं,
ये कोई मूल बिंदु से इस पर लंब डाल दिया गया, ये P है। मान लीजिए ये बिंदु हमारे पास क्या है, P, और इनके बीच की दूरी स्मॉल p। तो ये जो लंब डाला है ये x एक्सिस की धन दिशा से कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो हमारे पास में अंतःखंड के रूप में रेखांक समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी, हमें P बराबर तो दिया गया है 5 और मूल बिंदु से लंबिक दूरी दी गई है 30 डिग्री, और हमारे से उस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कहता है। तो क्या चीज़ दी गई है, ये तो हमारे पास 30 डिग्री का कोण है और ये कितना है हमारे पास 5। तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या है जी, रेखा का समीकरण x cos अल्फा, अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और y sin इसकी का भी मान 30 और बराबर 5। तो x 30 का मान कितना हुआ √3/2, और y इसका मान कितना हुआ 1/2, 5। इसका एलसीएम लिया हमने √3x/2+y=5। तो √3x+y=5 × 10, ये हमारे पास क्या आया भाई, ये हमारे पास लंब रूप में रेखा का समीकरण आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास में क्या है जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रेखा का व्यापक समीकरण। रेखा का व्यापक समीकरण आठवां टॉपिक है हमारे पास, रेखा का व्यापक समीकरण। रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax+by+c=0। यदि एक इस रेखा पर, ये मान लीजिए कोई रेखा है हमारे पास ax+by+c=0, यदि इस पर कोई लंब है रेखा तो क्या होगा, ये मान लीजिए ये तो L1 रेखा थी, ये L2 रेखा इस पर लंब है, तो इस पर लंब रेखा का समीकरण क्या होगा, लंब रेखा का समीकरण किस रेखा पर, इस रेखा पर जो आपकी व्यापक समीकरण है। तो इसके कोऑर्डिनेट इसके साथ में आ जाएंगे bx-ay=λ। यदि इस रेखा के समांतर आपके पास में रेखा हो, मान लीजिए इधर से कोई रेखा चली गई L2, इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण हो, तो समांतर रेखा का समीकरण वो क्या होगा, ax+by=λ। इसमें इसके गुणांक चेंज नहीं होते हैं। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, एक इक्वेशन दी गई है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 6x+3y=12। इसको कहते हैं कि ढाल के अंतःखंड, ढाल तथा अंतःखंड ज्ञात कीजिए, अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं भाई, ये 6x, इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, ढाल, यानी कि y बराबर mx+c की फॉर्म में लेके आना है हमें। तो ये 3y यहीं पर रखा है, ये 6x इधर आके माइनस हुआ और ये +12 होगा। तो y बराबर इसको हमने डिवाइड कर दिया, किसको, 6x/3+12/3। तो y बराबर यहाँ से कितना हुआ, -2+4। तो y बराबर mx+c से हमने क्या की, तुलना। तो हमारे पास ढाल कितनी आ गई, ढाल m बराबर यहाँ से आ गई -2, और c यानी कि y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना हो गया हमारे पास में 4। इसी में हमारे पास से क्या पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में हमारे से पूछ सकता है कि इसको अंतःखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं जी,
नंबर एक में हमारे से पूछा, नंबर दो में पूछ सकता है, अंतखंड के रूप में व्यक्त कीजिए या अंतखंड के रूप में व्यक्त कीजिए और अंतखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो दोनों साइडों में 12 से डिवाइड कर दीजिए सबको, ये कितना आ जाएगा, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 1 आ गया। तो ये किस फॉर्मेट में आ गई, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 से हमने क्या की इसकी तुलना। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये अंतखंड के रूप में आ गई है आपके पास। तो x एक्सिस पर काटा गया अंतखंड कितना हुआ 2 और y एक्स पर काटा गया अंतखंड b बराबर कितना हुआ हमारे पास में 4। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और दिया गया है, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप इसके साथ में। यदि हमारे पास में 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 15 दिया गया है, आपसे इसमें दोनों में व्यक्त करने के लिए पूछ सकता है। एक बार और देख लेते हैं इसको करके। तो हमारे पास में फर्स्ट फॉर्मेट के लिए क्या होगा, यदि हम इसको चेंज कर दें 10y माइनस के 5x प्लस दिस, तो y इससे हमने इसको डिवाइड किया 10 से, x प्लस अपॉन 10 तो माइनस 1 अपॉन 2 और ये कितना हुआ 3 अपॉन 2। तो यहाँ से हमने y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना की, तो m बराबर कितना आया माइनस 1/2 और c बराबर कितना आया 3/2। इसी तरीके से आप इसको अंतखंड के रूप में भी इस वाले फॉर्मेट से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।